विद्यार्थी जी लोग, आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग और आप लोग बहुत ही परेशानी में हैं। आपको अपने पढ़ाई की चिंता है, हम लोगों को पढ़ाने की चिंता है, तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग ऑनलाइन आने की व्यवस्था कर रहे हैं, जब तक लॉकडाउन रहेगा हम लोग ऑनलाइन आएंगे। अभी तो आज ट्रायल ले रहे हैं और जब ऑनलाइन ख़त्म होगा तो आप लोगों को बुला के पढ़ाएंगे। तो फिलहाल आप लोग सेल्फ स्टडी भी कीजिए और थोड़ा मोड़ा हम लोग इधर से सहायता कर रहे हैं। और इतना तो हम मुजम्मिल, रिंकू, ये प्रताप, ये जितना भी टीचर लोग हैं सब मिल के ये वादा करते हैं कि आप लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और आप लोगों को का सिलेबस एकदम वक्त पर, वक्त से पहले, समय से पहले ख़त्म होगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी परिस्थिति आई तो इसका भी पॉजिटिव हम लोग ढूंढेंगे। फिलहाल पढ़ने पढ़ाने का आदत तो छूटा हुआ है। आप लोगों को आज ऐसी चीज़ बता देते हैं जिससे कि आपको याद होगा कि जाते समय हमने आप लोगों को लेंस एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेस का होमवर्क दिया हुआ था और उसमें से कुछ बनवाया हुआ भी था, लेकिन हम जानते हैं कि आप लोगों का आदत छूटा हुआ होगा, इसलिए आज उसी को रिपीट मार देते हैं। थोड़ा सा आज उस पर काम कीजिए, कल से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और कल इसी चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे। फिलहाल ये फॉर्मूला आपको दिया था, लेंस एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला दिया हुआ था कि पहला फॉर्मूला μ2/V - μ1/U = μ2 - μ1/R, दूसरा फॉर्मूला 1/F = μ - 1 × 1/R1 - 1/R2, तीसरा फॉर्मूला दिया था कि x μz = μz/μx, चौथा फॉर्मूला 1μ2 × 2μ3 × 3μ1 = 1, और इसके बाद से आप लोगों को पांचवा फॉर्मूला दिया था कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर c/v, जहाँ c वेलोसिटी ऑफ लाइट और v वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम है। आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो मोबाइल नंबर 99392-82-570 जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, और इसी से हमारा व्हाट्सएप भी चलता है, आप इस पर अपना क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, हम उस पर आंसर बना के डाल देंगे। लेकिन ध्यान में रहे कि ये आपको केवल पढ़ने के लिए दे रहे हैं। अगर पढ़ाई के अलावा किसी तरह का भी आप लोग ये दे रहे हैं, उस पर कोई दूसरी बात दे रहे हैं, तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे। तो केवल पढ़ाई की बात करेंगे, इसी पर हमारा व्हाट्सएप भी चलता है। अब क्या है कि ये नोमरिकल जो दिया था तो थोड़ा आपको याद कराने के लिए दो नंबर नोमरिकल बता रहे हैं। क्वेश्चन तो आप लोग ले ही लिए होंगे और नहीं लिए होंगे तो मुजम्मिल सर ये क्वेश्चन लोड कर देंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा कि 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले ग्लास, ये आपको ग्लास स्फीयर जो आपका पेपर वेटर होता है टेबल पर पेपर डालने के लिए, उसमें देखते हैं कि बबल बबल दिखाई देता है, वो आपको एयर का बबल है। तो ये क्वेश्चन भी आपको यही बोल रहा है कि एक ग्लास स्फीयर है, कांच का गोला है, और इसका डायमीटर अर्थात इसका ये व्यास a a' है, और बोल रहा है कि मान लेते हैं कि इसका सेंटर C है इस स्फीयर का, तो ये रेडियस बोल रहा है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेडियस 4 सेंटीमीटर है और ये भी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। फिर बोल रहा है कि इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ये आपको ग्लास है, ये एयर है, और ये एयर है, और आप लोग जानते हैं कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और ग्लास का तो क्वेश्चन में दिया हुआ 1.5।
क्वेश्चन में कह रहा है कि सेंटर से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी ये ओ ले लिया, बबुल जहाँ पर है और ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई एयर बबुल है, हवा का बुलबुला है, तो निश्चित रूप से ये डिस्टेंस आपको 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तब कह रहा है कि अगर नियर सरफेस से, यानी बबुल के नजदीक वाले पृष्ठ से देखा जाए तो बबुल कहाँ दिखाई देगा, अर्थात भी बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन। और फिर एक इसी में बी दे रहा है कि यदि फार सरफेस से, यानी दूर वाले सरफेस से देखा जाए तो ये बबुल कहाँ दिखाई देगा, अर्थात यहाँ भी बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अब इसमें आइए, तो इसमें आइएगा तो क्या हो गया कि ये बुलबुला यहाँ पर है, बबुल यहाँ पर है, तो ये आपको ऐसे रे जाएगा और रिफ्रैक्ट होके ऐसे जाएगा, ये यहाँ पर आपको डाइवर्ज होगा जहाँ पर बबुल का इमेज बन जाएगा। तो इसको देख के आपको पता क्या चला कि ओ से ए तक का डिस्टेंस u = -3 सेंटीमीटर, रेडियस r -4 सेंटीमीटर, μ1 = 1.5 एंड μ2 = 1। और अगर b की बात करते हैं तो u = रे तो यहाँ से जाएगा ऐसे और ऐसे रिफ्रैक्टेड होगा, और फिर इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कहीं जाकर के डाइवर्ज होगा। तो यहाँ पर u = -5 सेंटीमीटर, μ1 = 1.5, μ2 = 1 एंड r = -4 सेंटीमीटर। तो अब ये आपको ये बायोडेटा देख करके पता करना है कि कौन फॉर्मूला लगेगा। तो हमको लगता है कि 1 नंबर फॉर्मूला लगेगा, अर्थात कि फ्रॉम μ2/v - μ1/u = μ2 - μ1/r, इम्प्लाई दैट μ2 के जगह पर 1/v - μ1 1.5/u के जगह पर -3 = μ2 - μ1/r। एंड बी पर चलते हैं आप, तो क्या है कि μ1 के बदला में 1.5/u, u के बदला में -5 = μ2 - μ1/r -4, इम्प्लाई दैट 1/v = यहाँ पर आप देखें कि ये आपको -0.5/4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 0.5/4 पॉइंट हटा दिया तो 5/40, 5/40 1/8 1/8, और ये तो माइनस माइनस प्लस, ये पॉइंट हटाएंगे तो 15/13 और जब राइट में भेजेंगे तो -1/2, और बी वाला में 1/v = -±+ 15/5, ये 50, तो इसको कटा लेंगे, कैंसिल कर लेंगे तो 5 3 15, 5 2 50, यानी 3/10 + 3/10, और यहाँ आ रहे हैं
तो फिर यहाँ भी तो 1/8 हो ही जाएगा और -3/10 हो ही जाएगा। इम्प्लाई दैट 1/V इज इक्वल टू द LCM ले लीजिए तो 1 और 4 -3/8 एंड 1/V इज इक्वल टू द ये भी तो 40 होगा, हाँ 40 होगा, 2 × 8 = 10, 5 × 20 = 40, ये भी 40 होगा। तो क्या है कि 8 × 5 = 40, 5 × 10 = 40, 12, ये 12 में से 5 घट गया, और जब घटा दीजिएगा तो -7/40। इम्प्लाई दैट वी इज इक्वल टू द -8/3 एंड वी इज इक्वल टू द -40/7। Imply that V is equal to the -2.67 approximate answer and V बराबर वो क्या है कि 5 - 5.7 approximate answer। तो अब इस answer का अर्थ हुआ कि ये पॉइंट ए से 2.67 सेंटीमीटर ग्लास के भीतर पड़ रहा है, और ये पॉइंट ए डैश से आपको -5, तो माइनस का तो कोई मतलब नहीं, 5.7 सेंटीमीटर अंदर की ओर दिख रहा है। तो अब आप लोग जो है ये न्यूमेरिकल हम जानते हैं कि इसमें से आप लोग कुछ बनाए हुए हैं, लेकिन पूरा बनाइए, और यही टाइम पर नहीं, घरे बैठे हुए बेकार बैठे हुए आप लोगों के लिए, तो हम भी एकदम अपने को नर्वस मालूम कर रहे हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पर या मोबाइल नंबर पर आप अपना क्वेश्चन भेजिए और पूछिए, फिर आगे हम लोग इसका व्यवस्था में लगे हुए हैं, फिर से आगे हम लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं कि एकदम से ऑनलाइन लगातार पढ़ाई होता रहे। इंशाल्लाह बहुत जल्द ही हम लोग ऑनलाइन की भी व्यवस्था कर देंगे। बस धन्यवाद।